मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, मैंने कई बीमारियों के बारे में बता चुका हूं, मैं आप लोगों को कई बीमारियों के बारे में नॉलेज दे चुका हूं। उसी तरह से आज हम एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं जो कि महिलाओं में होता है, जिसका नाम है PCOD या PCOS। इसको बोलेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसकी बात करें तो महिलाओं में होता है, जो बच्चेदानी होता है उसके जो जहां पर अंडे बनते हैं उसी में सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे कड़के सिस्ट बन जाते हैं। देखिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए ये होता है यूटेरस, पूरा ये यूटेरस होता है, पूरा ये इसको यूटेरस बोलते हैं। ये होता है फॉलोपियन ट्यूब, ये होता है फिम्बरिया और ये होता है ओवरी। इधर के देखिए नॉर्मल ओवरी है, मतलब हेल्थी ओवरी है जो कि एकदम सही सलामत ओवरी है, अंडाशय जिसको बोलेंगे हिंदी में अंडाशय बोलते हैं उसको। और इधर देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाना या गांठ बन जाना जिसमें कि तरल फ्लूइड भर जाते हैं, उसकी वजह से आपका ओवम बोले तो अंडा आपका नहीं बन पाता है। इसमें मान लीजिए हर फीमेल में, हर बच्चेदानी के साथ में दो फॉलोपियन ट्यूब होता है, दो ओवरी होता है, जिसकी वजह से एक ओवरी में आपका सिस्ट पाया जाता, अधिकतर करके दोनों में ही हो जाता है सिस्ट, जिसकी वजह से आपको बच्चे या गर्भधारण करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तभी इस बीमारी का पता लगा पता। वैसे ये होता कब है, इसकी उम्र सीमा क्या है, इसकी उम्र सीमा देखिए आपको मैं बता दूं 16 से 30 साल के एज में आपको हो जाता है 16, जबकि आपको बच्चे नहीं होते हैं उस टाइम आपको ये पता चलता है कि आपके ओवरी में सिस्ट हो गया या गांठ बन गई या छोटे छोटे झिल्ली नुमा एक उसमें तरल पदार्थ भर गए हैं। यही होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। जैसा कि मैंने आपको बताया आपको ये होते हैं 16 साल से लेकर 30 साल तक एज में आपको हो जाते हैं, अधिकतर करके देखा जाए 100 में से 70 महिलाओं को ये डिजीज होता है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, लेकिन 5 से 15% महिलाओं में 20 से 44 वर्ष के एज में पता चलता है, जब वो बच्चे धारण कर नहीं पाती या गर्भ धारण नहीं कर पाती उस टाइम में पता चलता है कि उनके ओवरियन में या अंडाशय में सिस्ट बन चुका है, जिसकी वजह से आपका ये अंडा नहीं बन पा रहा है। अगर आपका ये हेल्थी होता है तो इसमें आपका अंडा बनता है और सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर, या मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद आपका ये अंडा जो होता है इसमें स्पर्म के द्वारा यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करता है। उसी तरह से इसमें देखिए आप सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, लेकिन स्पर्म आएगा तो अंदर, लेकिन ये इसमें ओवम जो होता है अंडा नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर सकते। मैंने बताया आपको ये 100 में से 70 औरतों को यह नहीं पता चल पाता कि उनको क्या डिजीज है, किस वजह से बच्चे धारण नहीं कर पा रही हैं, तो ये प्रॉब्लम उनको हो जाती है। अब इसके कारण जानेंगे, इसके कारण अभी तो कोई कारण इसके निर्धारित नहीं है, सिस्ट क्यों बन जाते हैं इसका कोई कारण नहीं हो पाया। ये हालांकि अनुवांशिकता भी कभी कभी हो जाते हैं, जैसा कि शुगर, किसी को इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी ये सिस्टिक बन जाते हैं। कभी कभी होता है निम्न श्रोणी में सूजन की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अधिकतर करके महिलाओं में सूजन की वजह से ही हो जाता है या जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से हो जाता है। कोई मेन कारण इसका पता नहीं चल पाया आज तक। लेकिन इसकी बात करें लक्षण की, तो इसकी लक्षण होते हैं, या बात करें सिम्टम्स या लक्षण की, तो ये लक्षण होते हैं
अनियमित पीरियड्स, मतलब आपको टाइम से पीरियड नहीं आ गया, किसी कभी 10 दिन में आ गया, कभी 15 दिन में आ गया, कभी टाइम से पहले आ गया, कभी टाइम के बाद आ गया, ये हो गया असीमित पीरियड, मतलब समय से पहले या समय के बाद में पीरियड्स आते हैं। दूसरा रहा पीरियड्स के टाइम पे हैवी ब्लीडिंग, मतलब अगर आपको पीरियड्स आते भी हैं उस टाइम आपको बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, सिर में दर्द बना रहेगा या आपको पेल्विक रीजन में सूजन या दर्द महसूस होगा, वजन का बढ़ना होगा, मोटापा बढ़ेगा, आपके चेहरे पर मुहासे आएंगे, आपका बाल दुबलापन हो जाएगा, मतलब आपके बाल ज़्यादा झड़ने लगेंगे, आपके चेहरे पर मुहासे होने लगेंगे और आपके फेस पर बाल निकलने लगेंगे या हेयर निकलने लगेंगे, और साथ साथ में आपको कभी कभी स्किन पे आपके ब्लैकनेस स्पॉट आ जाते हैं, मतलब काले काले धब्बे से होने लगते हैं। तो इसके लक्षण हो गए, तो मैं फिर से एक बार लक्षण बताना चाहूँगा, असीमित पीरियड्स या पीरियड्स के टाइम हैवी ब्लीडिंग, वजन बढ़ना, आपके चेहरे पर मुहासे, किल मुहासे निकलेंगे, आपके चेहरे पर बालों की संख्या ज़्यादा होने लगेगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा, मोटापा बढ़ने लगेगा, आपके सिर में दर्द होने लगेगा। ये हो गए इसके लक्षण हैं। अब इसका आप बोलेंगे उपचार क्या है, इसका देखिए उपचार तो ऐसा होता नहीं, समय से पता चल जाए तब इसका उपचार हो जाता है। जगह देखिए अगर आपको ऐसा लक्षण दिखे, आपके चेहरे पर मुहासे ज़्यादा निकलने लगे या असीमित पीरियड्स है या पीरियड्स के टाइम हैवी ब्लीडिंग हो, तो आप अपने गायनोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करें, जो समय रहते ही इलाज हो जाए ताकि आप लोगों को बचपन से बचा जा सके या गर्भधारण करने में आसानी हो। यही होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक डिजीज या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब